बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हसन सगीर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फार्मा। इस वक्त मौजूद हैं हम तंदूर ट्रेडिशनल कुजीन। रिसेप्शन जी दोस्तों, हम रेस्टोरेंट के रूफ टॉप पर पहुंच चुके हैं और अब हम जा रहे हैं बुफे एरिया की तरफ। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, खाने की खुशबू आना शुरू कर लाइव बारबेक्यू। यहाँ पे छोटी सी बर्थडे का सेटअप भी लग रहा है। बर्गर्स, मिनी समोसा, ये है जी टेम्पुरा, ये है जी सैंडविचेस और ये है बॉक्स पेटीज सैंडविच, ये मिनी रोल, ये है कटलेस, ये है चटनी रोल, रेशमी कबाब, बारबेक्यू विंग्स, स्पेगेटी, ये है जी शाशलिक, क्रीमी पास्ता, ये स्टेक है जी मोरोकन स्टेक, ये है जी फ्रेंच फ्राइज और ये आ गई हलीम। वाह, हलीम के सारे लवाजमात भी मौजूद हैं। और इसके बाद इनका आ गया ये चाट कॉर्नर, बहुत ही खूबसूरत किस्म के कलर्स, दही भल्ले भी हैं, चटखारे आलू एंड चने, उसके साथ सारे ये सेव पड़ी हुई है, निम्को है, पापड़ी है, वेरी नाइस सलाद बार एंड स्वीट बार। वाह, स्वीट बार में भी काफ़ी आइटम हैं। बिस्किट्स और ये है जूस, यहाँ पे बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से चाय भी अवेलेबल है। कड़क दूध पत्ती, सबसे पहले ट्राई करने जा रहे हैं हम रेशमी कबाब और स्टेक। अब ट्राई करने जा रहे हैं ये प्रॉन्स, मिनी बर्गर, चटनी रोल और सैंडविच। इस बार हम ट्राई कर रहे हैं बारबेक्यू विंग्स, स्पेगेटी और मेरा फेवरेट जो है ये स्टेक और चिकन शैशलिक विद दूध पत्ती। अब ट्राई कर रहे हैं सूप विद अल्तुगरुल स्टैट स्पून, पीता सैंडविच, क्रैकर्स और टेम्पुरा सेकंड टाइम और ये है जी बीफ हलीम। दोस्तों अब मैं ट्राई करने जा रहा हूँ पानी पूरी, गोल गप्पा और बॉक्स पेटीज। ये है जी इसके साथ पानी खट्टा मीठा और इसके अंदर तो गोल गप्पा जाएगा नहीं, तो हम इसको ऐसे पानी भर के और ये अब जा रहा है मुँह में। 8:30 बजे बहुत अच्छा, 9 out of 10 नंबर दिए जा सकते हैं। रेस्टोरेंट का माहौल बहुत अच्छा है, रूफ टॉप पे ये है और काफ़ी मज़ा आया हमें। हम लोग फ्रेंड्स के साथ आए हुए थे और गेट टुगेदर बहुत अच्छी हो गई हमारी और आइटम सारे ट्राई किए हैं। रेस्टोरेंट की एक साइड पे बर्थडे का कुछ सेटअप लगा हुआ है, लेकिन थीम बर्थडे बॉस पे भी ये भी अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है, तो छोटी मोटी पार्टीज़ के लिए भी अगर आप कोई फैमिली गेट टुगेदर करना चाहते हैं और थीम बर्थडे वगैरह, उसके लिए भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों खाना हम खा चुके हैं, उससे रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं। तो हमारे मेरे दोस्त अब्दुल वहाब साहब मौजूद हैं हमारे साथ। वहाब भाई क्या कहेंगे खाने के बारे में? खाना माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, मज़ेदार है। ये कि आप लोग अगर टाइम पर आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ये रश हो जाता है अच्छा खासा, तो
रिजर्वेशन करवा लें ज़्यादा बेहतर है। आपको क्या चीज़ खाने में ज़्यादा पसंद है यहाँ पे? क्या डेजर्ट सबसे ज़्यादा मज़ेदार है। ठीक है, वैसे ये खाने में अगर देखा जाए तो ये बारबेक्यू अच्छा है इनका, चिकन में है, चाइनीज़ में थोड़ा सा है, वो भी बहुत अच्छा है, मज़ेदार है। और मुझे तो स्टेक बहुत पसंद आया, स्टेक वाकई में बहुत बहुत मज़ा अलग है, एक टेस्ट अलग है उसका, और ये कि आप उसको खाने के बाद आपको फील होगा कि आपने कोई अच्छी चीज़ खाई। और चाय के वाले से क्या कहेंगे आप? चाय से ज़्यादा मैंने ग्रीन टी पी, ग्रीन टी हाजमे के लिए पिए। व्यू ये है कि मैंने तमाम दोस्त कह रहे हैं कि चाय बड़ी बेहतरीन है। अच्छा चलें ठीक है, ये वाप भाई थे जी, इन्होंने रिव्यू दिया जी। तो हमारे साथ हैं शुएब भाई, खाना खा चुके हैं इस वक्त, वो मेरा ख्याल में पी रहे हैं ग्रीन टी। तो शुएब भाई खाना कैसा लगा आपको? स्टेक पसंद आया, प्रॉन्स से इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करें लाल किला से तो लाल किला में जंबो साइज है, यहाँ पर है सबसे स्मॉल साइज प्रॉन्स है। ठीक है, तो जो एक इनके मेन डिशेज में जो एक होती है जो प्रॉन्स होते हैं तो वो पसंद नहीं है, लेकिन इनके स्टेक बहुत अच्छे हैं। ठीक है, क्रीमी स्टेक है और बहुत मज़े का। और इसके अलावा बारबेक्यू में कुछ पसंद आया? बारबेक्यू में इनके खाली विंग्स ही हैं, और विंग्स जूसी होने चाहिए थे वैसे थे नहीं। ठीक है, तो अगर आप 10 में से नंबर देना चाहें ओवरऑल तो कितने देंगे? तमाम आइटम्स को या विंग्स को या मतलब पूरा ओवरऑल? ओवरऑल मैं 10 out of 6 दूंगा। 10 out of 6। ठीक है वाह भाई, आप कितने नंबर देंगे? आई थिंक मेरा ख्याल से तो 10 out of 8 होने चाहिए। 8 होने, वाह भाई ने थोड़ा सा जी इनको लेजर दिया है, लेकिन शुएब भाई ने काफ़ी तनकीद की है। मैं अपने व्यूवर्स को रिकमेंड करूँगा कि वो आएँ और इस रेस्टोरेंट पर खाना खाएँ अपनी फैमिली के साथ, एक अच्छा एनवायरनमेंट है और गेट टुगेदर के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। मैं अपने रिव्यूज़ जो हैं वो वीडियो के साथ साथ आपको देता जा रहा हूँ, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ठीक है जी दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सकें। अल्लाह हाफिज़।